केंद्र सरकार दे 9 साल पूरे होने पार्टी ने और सरकार ने कुछ प्रोग्राम बनाए है, उन्होंने असी अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह बेनीफिशरी सम्मेलन हो गए, व्यापारियों का सम्मेलन हो गया, इंटलैक्चुअल सम्मेलन हो गया और एक बड़ी रैली और घर घर जनसंपर्क कि 9 साल से सरकार ने की काम किए ने उन्हां दी जानकारी असी विद प्रूफ लोगों विच लैके जाने ने कि इस वर्ग वास्ते आ होया, इस वर्ग वास्ते आ होया, इस वर्ग वास्ते आ होया। ये सारा कुछ ये 9 साल की उपलब्धि वास्ते 30 मई तो लैके 30 जून तक के कार्यक्रम साढ़े फिक्स होए ने, उन्होंने कर रहे हैं। मुश्किल दसियां ने जिस तरह जीएसटी, देखो जिहड़ियां भी अज व्यापारियों ने मुश्किल दसियां ने, मैं समझदा कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स ने व्यापारियों की। साडा फर्ज बनता कि एक पोलीटिकल पार्टी के नुमाइंदे होने कारण उन्होंने सही प्लेटफॉर्म से उठा के उनका हल जिहड़ा है किया जाए। देखो पंजाब दे विच मैं समझदा कि भगवंत मान जी पंजाब नूं वैस्ट बंगाल का मॉडल बनाना चाहते हैं। जिस तरह वैस्ट बंगाल ने गवर्नर साहब दियां पावरां नूं एज चांसलर सीएम नूं ट्रांसफर करता, इसे तरह एक स्पैशल सैशन बना के किसी भलाई का काम करते तो होर गल सी। इन्हां ने भी गवर्नर्स दियां पावरां नूं एज चांसलर लैके सीएम देता। दूसरा गवर्नर साहब का बार बार कहना कि साड़ी चिट्ठी तक का जवाब गवर्नर पंजाब सरकार नहीं दे रही। जे पंजाब सरकार एक गवर्नर की चिट्ठी का जवाब नहीं देता तो तुसीं ते मैं एक आम आदमी की आ सकता कि इन्हां कोलों किसी अपनी गल का जवाब ले सके। हरमिंदर साहब की जी लाइव लैके उधर गए, हरमिंदर साहब लाइव टू लैके जो निजी तौर पर लैके गल कर रहे हैं। देखो हरमिंदर साहब के लाइव करन दा जिहड़ा राय हैगा वो SCPC उस गल का फैसला लैंदी है। किसी के धर्म से दखलअंदाजी देन दा किसी भी पार्टी नूं किसी भी सरकार नूं हक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी SCPC इसका विरोध कर चुकी है। इस तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना। सेंटर च विपक्षी पार्टियां एक हो रही ने साझा हो रही की कहना चाहूँगा। मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल दे के यदि गल समझा, बहुत सारिया पार्टियां इकट्ठिया हो रही ने और इकट्ठिया होने तो पहला खिलर रही ने। ना इन का नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है। थोनू मैं एक इतिहासक गल दसदा कि एक बार ना जो माता सीता का स्वंबर होया तो तनुष्ट तोड़ना सी, किसी को नहीं टुटिया तो सारे राजे ने फैसला किया भी असीं इकट्ठे होकर तोड़ते हैं। तब किसी ने पूछ लिया भाई इकट्ठे होकर तोड़ता लूंगे तो शादी कौन करेगा, कहिंदा तोड़न तो बाद फिर लड़ांगे, असीं लड़न तो बाद जिहड़ा बच गया वो शादी कर लूगा। इदां दा इहनां दा हाल होना, जो लीडर है नहीं, कोई इशू है नहीं, इकट्ठे कहदे वास्ते हो रहा कि मोदी नूं हटाउणा, और जनता खड़ी होया कि मोदी नूं असीं दुबारा लैके आना। तो इस करके इन्हां दी इच्छा जिहड़ी है वो नहीं पूरी हो सकती।